हु डजंट लाइक पास्ता, बट पास्ता के अंदर क्या है, इतने सारे स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ मिक्स सॉस यानी कि पिंक सॉस पास्ता. और ट्रेडिशनली इसको बनाने के लिए व्हाइट सॉस बनाओ, रेड सॉस बनाओ, फिर पास्ता को बॉइल करो, फिर उसको टॉस करो. सो मैनी स्टेप्स, कौन बनाए, है ना. बाहर से ऑर्डर कर लो, बिल्कुल भी नहीं. मैंने रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दी है आपके लिए. मैं वन पॉट मिक्स सॉस यानी कि पिंक सॉस पास्ता बनाऊंगा, झटपट बन जाएगा. एंड दिस पास्ता इज विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक, बिना प्याज लहसुन के मैं बनाऊंगा. और बहुत ही सिंपल है, एक ही पॉट के अंदर मैं सारी चीजें डाल दूंगा. थोड़ा सा सीक्वेंस आपको जरा ध्यान रखना होगा, उसके लिए आप वीडियो जरा ध्यान से देखना. और मैं इसके अंदर पास्ता अलग से नहीं बॉयल करूंगा, एक ही पॉट के अंदर साथ ही में पास्ता जो है वो बॉयल होगा. तो शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले एक डीप पैन के अंदर मैं डालूंगा तेल एंड ऑफकोर्स सम बटर. सो पहले बटर को मेल्ट होने देते हैं. बटर मेल्ट हो चुका है और मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे चार टमाटर लिए थे मैंने, उनकी मैंने प्यूरे बना ली है. तो अब इसको मैं छान के डालूंगा. एंड इफ यू वॉन्ट तो आप बिना छाने भी टमाटो प्यूरे का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ऐसा करने से जो सॉस होगी वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनेगी. तो दिस इज वाई आई एम डूइंग दिस स्टेप. और ये जो रेसिपी होगा आप इसको किसी भी तड़के के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, तो वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है. दैट्स इट. और ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा और इसको भी मैं निकाल दूंगा. सो नेक्स्ट इसके अंदर जाएगी टमेटो केचप. एंड इफ यू लाइक इट स्पाइसियर तो आप इसके अंदर चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो मिक्स. सो एज यू कैन सी ऑलरेडी ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी ये टमाटोइश जो सॉस है वो लग रही है. इसको मुझे कुक करना है अच्छे से 3 से लेकर 5 मिनट तक, तब तक जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते. सो इसे तब तक हम कवर कर देते हैं. तो 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है. आप देख सकते हो इसके ऊपर ये हल्का हल्का ये लशियस बटर की लेयर आ गई है और ये शाइनी हो गया है. तो इसका मतलब ये जो है डन है. तो टमाटर अच्छे से पकने बहुत ज़रूरी है. अब इसको हम सीजन कर देते हैं, डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स. एक कप पानी एंड हाफ कप मोर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अलग से पास्ता हम नहीं उबालेंगे क्योंकि यह है वन पॉट पास्ता. तो यहाँ पे जो पास्ता है मैं यहाँ पे पेने पास्ता का इस्तेमाल कर रहा हूँ. यू कैन टेक एनी शेप ऑफ पास्ता यू वॉन्ट. और एक बार पानी में बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं जो पास्ता है ये डालूंगा इसके अंदर. एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगा ये बीटरूट के स्लाइसेस. सो पिंक सॉस पास्ता को पिंक बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बीटरूट. बीटरूट के 2 स्लाइसेस मैं यूज करूंगा. बाहर जब आप खाते हो तो वो लोग क्या है आर्टिफिशियल फूड कलर रेड कलर का डालते हैं, विच इज ऑफकोर्स नॉट हेल्दी. तो यहाँ पे हेल्दियर वर्जन है बीटरूट का, मैं इस्तेमाल करके इसे पिंक सॉस पास्ता बनाऊंगा. एंड बीटरूट के आप इसी तरीके से मोटे मोटे स्लाइसेस लेना, सो दैट यहाँ पे आप इसको बाद में निकाल सको इजिली, बिकॉज आई एम यूजिंग इट ओनली फॉर कलर नॉट फॉर फ्लेवर. सो अब करेंगे कवर और पास्ता को हम अच्छे से कुक करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए, 5 से लेकर 7 मिनट तक. और 2 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा देता हूँ और इसे खुले में पकने देंगे फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स मोर. सो पास्ता इज कुक ब्यूटिफुली. आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा था तो मैंने आधा कप पानी इसके अंदर और ऐड किया है और पास्ता बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे कुक हो चुका है. अब इसके अंदर कुछ फाइनल टचेस जाएंगे और ये डिलीशियस पास्ता जो ऑलरेडी डिलीशियस दिख रहा है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा. एंड मेरे पास यहाँ पे है येलो एंड रेड वाली शिमला मिर्च, तो ये मैं थोड़ी सी डाल दूंगा इसके अंदर. अगेन दिस इज ऑप्शनल. Well, you can use any vegetable of your choice. आप चाहो इसके अंदर कैप्सिकम डाल सकते हो, ऑलिव्स डाल सकते हो, there are so many options. और अगर आप चाहो तो चिकन पास्ता, अगर आपको पसंद है आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो. सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. इसके साथ साथ
ये है ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, यानी कि काली मिर्च कुटी हुई, ये गई। पास्ता जो है वो इटालियन सीजनिंग या फिर ओरिगैनो के बगैर तो अधूरा है, तो यहाँ पे ओरिगैनो लेंगे हम, ये डाल देंगे हम। एंड मेक श्योर आप ब्लैक पेपर या ओरिगैनो, ये जो सीजनिंग्स होती है ना, ये आप टूवर्ड्स दी एंड डालना। अगर आप बिगनिंग में डालोगे तो ये इनका एक कड़वापन आ जाता है और इनका जो फ्लेवर होता है ना वो भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। सो मैक्सिमम पंच के लिए ये जो सारे ड्राइड हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, आप इनको टूवर्ड्स दी एंड डालो तो इनका जो मज़ा होगा ना वो एक्चुअली में बहुत कमाल का आएगा। सो जस्ट मिक्स एवरीथिंग। जो बीट रूट है ना, इनका तो काम ख़त्म हो चुका है, अब इनको मैं निकाल देता हूँ अलग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट बीट रूट का अर्दी फ्लेवर पास्ता के अंदर। तो ये अलग हो गया, मगर वाइट सॉस जो है हल्की सी मिसिंग है, तो मेरे पास यहाँ पे है दूध, यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर दूध, और बिल्कुल ज़रा सा, नॉट टू मच। मैं इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करूँ, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम या फिर कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम है अवेलेबल तो ऑफकोर्स यू कैन यूज दैट फॉर बेटर पास्ता, उसका टेक्सचर जो होगा और भी ज़्यादा क्रीमी होगा, बट आई एम मेकिंग इट लिटिल हेल्दियर, तो क्रीम को अवॉइड करके मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। चीज़ के स्लाइसेस, वन अगेन चीज़ का मैं आपको क्या बताऊँ यार, आपकी जो श्रद्धा हो आप उतने चीज़ के स्लाइसेस या कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो, और इसे करेंगे मिक्स बस तब तक जब तक चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। चेरी टमेटोज हैं, अगेन इट्स ऑप्शनल, मेरे पास हैं तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे दो से तीन, बीच में से हाफ करके मैंने चेरी टमेटोज डाले, इनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशनेस अच्छी लगती है पास्ता के अंदर, और ये पास्ता बिल्कुल रेडी है। गैस करते हैं बंद और इसे अब सर्व करते हैं। Try this one pot pink sauce pasta at home without onion, without garlic. Try करना तो बनता है, and try करने के साथ साथ do like my videos and share my videos with your friends and your family members. और जो लोग मेरे channel पर पहली बार आए हैं hit the subscribe button, उसके साथ साथ bell icon पे click करना ताकि जैसे ही मैं videos YouTube के ऊपर post करूँ आप तक notification सबसे पहले पहुँचे। तो मिलता हूँ मैं आपको इसी तरीके की और मज़ेदार आसान recipes के साथ, तब तक खाते रहो खिलाते रहो and take good care of yourself. Goodbye.